छतरपुर न्यायालय के विचाराधीन मामले में महिला कैदी जिला अस्पताल से खिड़की फांदकर फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस पर हमला करने के मामले में 6 आरोपियों पर हुआ था मामला दर्ज। हमले के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। न्यायालय के विचाराधीन मामले में 4 कैदी जिला जेल में थे बंद। महिला को उपचार के लिए 14 मार्च को लाया गया था जिला अस्पताल। जिला अस्पताल से ऋतु पति दिलीप जाटव हुई फरार। जिला जेल उप अधीक्षक राम शिरोमणि पांडे व पुलिस बल महिला की तलाश में जुटी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छुई खदान की निवासी है महिला। राज इंडिया 18 के लिए संभाग ब्यूरो अरविंद वर्मा छतरपुर। उसका हवालाती महिला है रितु, पति का नाम दिलीप जाटव की। अब रहने वाली है छुई खदान सटाई रोड छतरपुर की। थाना सिविल लाइन का मामला है इसका। माननीय सीजीएम साहब के यहाँ से जेल में आई थी कल दिनांक जो बीत गया 14/3/2023 को। डॉक्टर साहब की सलाह से शाम को ये छतरपुर अस्पताल में भेजी गई थी। अपनी पुलिस गार्ड न मिलने के कारण अपनी गार्ड लगी हुई थी। आज सुबह करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वो जो महिला अस्पताल में एडमिट है वो साहब बाथरूम करने गई थी फ्रेश होने। वो साहब निकली नहीं बाहर और मिल भी नहीं रही है। उसी के संबंध में अपन लोगों ने उसको ढूंढना चालू किया और वो फरार होने में सफल हो गई। किस मामले में आई थी ये? 307 मामले में आई थी। पुलिस के ऊपर इनकी झड़प हुई थी छुई खदान में इनके पति के ऊपर। किस तरह से लूट के तनाते हैं ये? कितने लोग तनाते हैं? 3 महिलाएं पहरी रहती हैं 4-4 घंटे। तो ये रश्मि दाहिया के उसमें हुआ है ड्यूटी में। हाँ, अब उसमें नहीं मानता कार्रवाई की जाएगी। इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अब इसकी खोजबीन चालू की गई है। अस्पताल में सीसीटीवी लगे हैं? लगे हैं, उससे अपन ने खंगाला है। वो बाथरूम का एक वेस्टर्न लैट्रिन लगा हुआ है उसमें जो कबाड़ टाइप में है, तो वो अंदर से बंद था फाटक। उसमें वो समझ में आया कूद गई है अंदर और वहाँ खिड़की से वो निकलने में सफल हुई है। आपकी एक शहर से एक खबर जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच सकती है, वो बस एक शेर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।